मेहरबान कदरदान, अपनी बीवी के अलावा बाकी सब लड़कियों के भाई जान और खवातीन तवज्जो फरमाएं। आज की इस वीडियो में आप जो देखने वाले हैं उसके लिए पहले अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं और फिर यूरिक एसिड चेक करवाने के बाद वीडियो को देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आज आपको लेकर चलेंगे सिंध के एक छोटे से सिटी टंडो आदम में, जहाँ आपको 200 साल से चलने वाली ये मटन सब्जी खिलाएंगे। इसकी एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसकी रेसिपी सिर्फ इसी फैमिली के पास है और ये फैमिली 200 साल से इसको चला रही है, और साथ में हल्का फुल्का टच देंगे आसपास मिलने वाले स्ट्रीट फूड का, जो मैंने इसलिए भी रिकॉर्ड किया था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अब छोटी वीडियो देखने में ना आपको मजा आएगा ना मेरे पैसे ज्यादा अच्छे बनेंगे, तो बात को ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अच्छा, इस वक्त अभी हम मौजूद हैं टंडो आदम के अंदर। टंडो आदम जो है ना सिंध का एक छोटा सा शहर है। जब आप हैदराबाद से आएंगे तो अब मटियारी वाला रोड लेंगे, तो मटियारी से थोड़ा सा आगे जाके आपके राइट साइड पे टंडो आदम एक छोटा सा सिटी आता है। छोटा सा है लेकिन ये खूबसूरत बहुत है। मैं यहाँ पर दूसरी दफ़ा आया हूँ और मतलब बहुत बहुत कमाल का शहर है, बहुत पीसफुल है। अब यहाँ पे आएंगे ना आपको बड़ा बड़े मज़े के लोग हैं यहाँ पे, खासतौर पे ये जो यहाँ पे यूट्यूबर्स पाए जाते हैं ना, ये वाले यूट्यूबर्स, ये जिनका गेमिंग चैनल है यहाँ पे, ये भी बड़े कमाल के लोग हैं। और यहाँ पे कुछ नाथ खान हजरात भी हैं, जो ये अभी आपको मैं इनकी नाथ सुनाता हूँ, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पे जो आया हूँ ना, यहाँ पे मैं सज्जी खाने आया हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है यहाँ की टंडो आदम की सज्जी। यहाँ पे सज्जी बनाई जाती है कोयले के ऊपर, मटन की सज्जी है जिसमें मटन की रान होती है, दस्ती होती है, सीने का पीस होता है या पुट का पीस होता है, जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मुख्तलिफ प्राइस होती हैं यहाँ पे, 3 से 4 सेटअप लगे हुए हैं और तीनों चारों जो है ना वो एक ही नस्ल से चल रहे हैं, एक ही दादा की औलाद आ गए वो सारे, तो उनसे वो सज्जी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इसके लिए मैं टंडो आदम आया हूँ। और ये भी मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने कराची के लोगों को यहाँ पे आते हुए देखा है और उन्होंने आगे ये कहा है कि भाई एक शहर जो है वो सिर्फ टंडो आदम जो है वो सिर्फ सज्जी की वजह से मशहूर है, और अगर एक शहर किसी एक चीज़ की वजह से मशहूर है तो उस चीज़ में वाकई कुछ ना कुछ है जो मशहूर है। तो वो सज्जी क्या है, वो कैसे है, वो खा के पता चलेगा इंशाल्लाह। आने से पहले ऑर्डर करने के लिए कॉल कर देना पहले, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आने से पहले 3 घंटे भी लगते हैं बात को सब्जी को रेडी होने में, क्योंकि मटन की सब्जी है लो फ्लेम पे, लो कोयलों पे वो पकेगी हल्की आँच पे, इसलिए आप आने से पहले ऑर्डर कर दें। नंबर मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, अभी इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या बेच रहे हैं आप? ये मटन सब्जी। ये आप कितने की किलो बेचते हैं? ये किलो का नहीं, ये पीस का हिसाब होता है ये। अच्छा, पीस कौन कौन सा होता है इसमें? इसमें लेग होता है और चेस्ट होता है और फुट होती है। फुट होती है, तो कितने का पीस है ये? ये देखो इसका कुछ जो है अपना रेट का अंदाज़ा नहीं है, कभी हल्का माल है तो उस हिसाब से है, अगर भारी माल होता है तो उस हिसाब से होता है। अच्छा, तो ये कितना पुराना आपका सेटअप है? ये हमारे बड़े बोलते हुए आ रहे हैं भाई, ये 200 साल पुराना है, साथ भी कुछ हमारी चलती हुई आ रही है। अच्छा, तो ये जो बाकी इधर उधर बैठे हैं सारे अपने ही हैं? एक ही दादा की औलाद है। एक ही दादा की औलाद है, सही है। तो इसमें आप लगाते क्या है, मसाला क्या है इसमें? इतनी मशहूर है ये, पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुई है ये। असल जो है इसमें कच्चे में जो हम नमक लगा के इसको 1 घंटा छोड़ देते हैं। 1 घंटा बस? हाँ, जब ये नमक अपना जज लेता है फिर उसको हम डंडों में लगा के उसको 3 घंटे में पकाना है, मीठी मीठी आज 3 घंटे में। ये मुर्गी क्यों रखी हुई है आप? ये चिकन कोई लेके आता है हम उसको पका के देते हैं। कोई और लेके आता था? सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो आपका शुरू कितने बजे करते हैं? हम सुबह 11 बजे आ जाते हैं, स्टार्ट हम 12 बजे कर लेते हैं, 3-4 बजे जो हमारा माल तैयार हो जाता है। और इसको माल अगर कोई ऑर्डर आपको करता है तो आपके पास पहले पड़ा होता है या पहले ऑर्डर करना पड़ता है? ये बिल्कुल तैयार करके हम रख देते हैं, तो कल मोला पे जो भी आता रहता है कस्टमर हम देते रहते हैं। ये वाला जो है तैयार करके? ये बिल्कुल तैयार है, अब जैसे कस्टमर आएंगे हम 15-20 मिल देंगे, हर किसी की अपनी च्वाइस होगी, नरम या कड़क या किस हिसाब से हम बना के देंगे। आप वैसे खुद क्या पसंद करते हैं, कड़क वाला या नरम वाला? हम नहीं करते हैं लेकिन कस्टमर पसंद करेंगे। कौन सा वाला जैसे पसंद? ज़्यादा कौन पसंद करता है? देखो ज़्यादा तो हमारे पास कड़क भी चलता है और नरम भी चलता है। ज़्यादा कड़क भी चलता है, ज़्यादा नरम भी चलता है, सही हो गया माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये हमारे पास आदिल भाई हैं, ये आदिल भाई हैं, ये यहीं के टंडो आदम के रहने वाले। ये बता रहे कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपका इसमें, मतलब कोई आपको ऐसा मसाला डालता है जिसकी वजह से जायका आता है? सही, ये मसाला हमारे पास ये पड़ा हुआ है। नहीं, इसको पकाते वक्त नहीं, ये बाद में लगेगा। अच्छा, ये बाद में लगेगा? अगर हम पहले लगाएंगे ना, अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको अगर हम लगा के और आग के ऊपर लगाएंगे ना तो ये जलने की खुशबू आएगी। अच्छा, हाँ, मसाला जैसे टिक्कों में चल रहा है? नहीं है, ये इसी के ऊपर बनता है और इसी से जो है ना इसका टेस्ट आता है सारे का सारा, और ये पूरा पकने के बाद जब इसको कटिंग करते हैं उसके बाद मसाला डालते हैं। मसाला लगा, सही हो गया। सीक्रेट इंग्रेडिएंट यही है, सही है, सही है। अच्छा यार, ये सेटअप इनका लगा हुआ है यहाँ पे जो है ना, ये सारी मटन सब्जियाँ ये रहने लगी हुई हैं, ये हाफ डन करके उन्होंने रखी होती है, जब कस्टमर आता है उसको फिर वो उस तरह से फुल ग्रिल करते हैं जैसे अभी इस टाइम कर रहे हैं इसको। ये अभी फाइनल कर रहे हैं इसको ना, अभी और बनेगा ये। अच्छा, अभी इसको और अपने पकाना है,
ठीक है ठीक है। ओए होए होए होए, ये आम सादा तेल है, कुकिंग ऑयल है, ये पैकेट वाला। अच्छा यार, वहाँ पे ना हमने सब्जी का ऑर्डर कर दिया था और यहाँ पे अभी मगरिब की नमाज़ हुआ, सुभान अल्लाह लाइट आ गई भाई। हमने ना जो है ना यहाँ पे लाइट जाती 7:45 से 7:45, लेकिन अभी जो है ना 8:45 बजे की और 7:50 पर वापस आ गई है, क्योंकि आज इनका व्लॉग होना है भाई, इनको पता लग गया साकिब मुबीन इज इन टाउन। तो अभी जो है ना हमने नमाज़ पढ़ ली यहाँ पे जामा मस्जिद में, इसके बाहर ना एक सेटअप छोटा सा नज़र आया, मैं आपको दिखाता हूँ। वो दाल बन रही ताज़ी ताज़ी दाल, ये भाई ये देखो, ये ताज़ी ताज़ी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इधर देखें, ये चने की दाल है ना जी, तो इसको फ्राई करते हैं बस, इसमें पकाते हैं, इसमें पकाते हैं। और ये सवैयाँ हैं, ये हैं सेम 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 जो होते हैं ना बेसन वाले, सेम कहते हैं सिंधी में, गाठिया कहते हैं, गाठिया गाठिया। अच्छा ठीक हो गया। और ये जो पकी हुई है वो पड़ी है पीछे रखी है, किस तरह देते हैं, कितने की क्या हिसाब किताब होता है इसका? 120 रुपये पाव है, थोड़ी सी बस ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा हो जाए जी। ये थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। ओए हो, बगैर मसालों के, हल्के से मसालों के साथ बहुत कमाल का फ्लेवर आ रहा है, ताज़ी बनी है ना। 120 रुपये पाव है, 1 किलो पैक कर दें हमें। अच्छा अभी यार ये ना ये पूरा बाजार है इधर। अच्छा एक चीज़ ये बंद हो गया इस टाइम, ये देखो ये इस टाइम ईशा की नमाज हो गई है। छोटा गांव है यहाँ ना, दीनदार लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ दीन का माहौल बहुत अच्छा है, लोग जो है ना दीन का रुझान यहाँ बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे तबलीग का काम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इस टाइम जो है ना बाज़ार बंद हो गया, ईशा की नमाज़ के बाद ये अक्सर बंद हो जाता है, सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स रहते हैं, ज़्यादातर लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मुझे मिली थी जब मैं 2 साल पहले यहाँ पर आया था, तो वो ऐसे शाही टुकड़े थे और गाजर का हलवा था, वो उसे ट्राई करते हैं। अच्छा इसका भाई बैठा हुआ है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, सही है यार? 2 साल पहले मैं आपके पास आया था, आपको पता नहीं, याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा आपको, आपको पता भी नहीं होगा बिल्कुल। इनके भाई आपके भाई थे, इसलिए तो कह रहा हूँ आपको नहीं पता होगा, सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा। तो आपके पास ना यहाँ पे कोई शाही टुकड़े होते थे पहले, अब वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं वो नहीं खाने आया, मुझे आपके पास जो मौजूद है वही खाना है। आपके पास 2 चीज़ें हैं, दूध की बोतलें और गाजर का हलवा है, आप हमें थोड़ा थोड़ा सा, हमने सिर्फ टेस्ट करना है इसको। पहले बता दे क्या रेट है इसका, टेस्ट तो कर लेते, रेट तो बता दो। ये क्या है, खोया, सही हो गया जी। ये जो है ना ये गाजर का हलवा है, और मैं इसे खड़ा होकर टेस्ट कर रहा हूँ, मज़े का। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूड है नहीं, एक मेन जो है वो सब्जी है। और दूसरी जगह जब मैं आया था, मैं उन आंखों से देख रहा था कि मैंने यहाँ पे क्या क्या ट्राई करना है, ये पॉइंट मैंने रखा था जहन के अंदर। शाही टुकड़े इनके ख़त्म हो चुके हैं, वो तो कहीं और से ढूंढ लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे बड़े कमाल के देखो, इधर 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 तो कर रहा हूँ, ये चौधरी को देख लो पहले, सही हो चौधरी हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ फिर मिल जाएगी क्योंकि माइक मुझे लगा हुआ, फिर भी नहीं जाएगी। ये जो है भाई बड़ा मज़े का, लाइट सा, बहुत लाइट सा, हल्का मीठा, मुनासिब मीठा है। क्या रेट है ये? 800 रुपये किलो। यार बहुत मज़े का यार, मैं लाग नहीं कर रहा, थोड़ा ज़्यादा का टेस्ट आ रहा मुझे, 800 रुपये किलो है, सही है। छोटा सा सिटी है, छोटा सा, ये टोटल इट्स टोटल शहर का कितना रेडियस कितना है पता है? मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर के अंदर होगा शहर पूरा। 2.5-3 लाख की आबादी है बस, 2.5-3 लाख की टोटल आबादी है ये, शहर की कि गांव की मिला के टोटल जनता आदमी, शहर की केवड़ा एसेंस आ रहा है, वनीला एसेंस आ रहा है ना, फ्लेवर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एसेंस का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन दूध मज़े का इसका। मुझे इसलिए याद है क्योंकि ना मैं अरसलान दोस्त का आया था अपने यहाँ पे, और हम रात को ना नमाज के बाद हम बाहर निकला थे यहाँ पे, बहुत मज़े का सीन है यार। ये साइड पे हलवा ज़्यादा मज़े का आपका, नाम क्या? फहद। फहद भाई कितनी देर से बैठे हो यहाँ पे? मतलब सुबह से नहीं, टोटल टाइम कितना हो गया ये रेडी लगाया अरसा, ये
थेरा लगाया सुबह 1 बजे से, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ सुबह से नहीं, कब से लगी टोटल कितना टाइम कितना हो गया, कितने साल हो गए? वाले साहब करते थे पहले? दादा साहब करते थे इधर ही इसी पे, तो दुकान क्यों नहीं बनाते, यहीं से पूरा आया था। चलो माशाल्लाह यार, ये मेरे से पैसे नहीं ले रहे, मैंने आपको इनको कहा है कि पैसे ले ले, लेकिन जिद कर रहे मैंने पैसे नहीं ले रहे। यहाँ पे जो है ना दूसरी चीज़ है ना, वो शाही टुकड़े हैं, वो भी यहाँ पे स्ट्रीट फूड में मिल रहे होते हैं, और भी बहुत जगह मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे वही चीज़ एक नज़र आई थी, वो इनके पास मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, ये शाही टुकड़े थोड़ा चेक करा दें, मेरा कर दें टुकड़े कर दें इसके। यार ये जो है ना, ये है हमारे पास शाही टुकड़ा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी मैंने, क्योंकि ये स्ट्रीट पे मिल रहा है ना। ला के लाओ था ना, उसका ज़्यादा मज़े का था वैसे, ये ठीक है। अब हमने ट्राई करनी है इनसे सज्जी, और यहाँ पे रश भी लग गया है। ओ भाई हम कहाँ बैठेंगे अब? जी ये जो है ये तेल लग रहा है इसके ऊपर, और अभी अपने फाइनल स्टेजेस पे आई हुई है ये, अब तैयार हो गई है बिल्कुल, बस मसाले लगाएंगे अब इस पर। ओए होए होए यार, ये बहुत कोई लाजालिम चीज़ लग रही है ये, ये मुझे लगता है ये पूरी रहने के अकेला बंदा खा सकता है, उस तरह ये है ना, ये बिल्कुल भी सिर्फ गोश्त, सिर्फ गोश्त। ओए होए होए अच्छा यार, ये जो है ना हमारे सामने आ गई है वो चीज़ जिसके लिए लोग कराची से आते हैं, जिसके लिए लोग अंदरून सिंध से आते हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरे अंदरून सिंध से लोग अपने प्यारों से मिलने के बाद यहाँ पे सज्जी खाने आते हैं। मटन सज्जी ये है, ये टंडो आदम की मशहूर सज्जी, और ये मुझे लग रहा है कि इतनी इतना ज़्यादा गोश्त है, लेकिन ये अकेला बंदा खा सकता है, क्योंकि स्वाद बहुत ज़ालम कम लग रहा है। ये देखो ये देखो, बहुत आला है, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिह। यार इसमें ना कोई इन्होंने मैरिनेशन नहीं की, सिर्फ नमक गया इसके अंदर, सही जो बकरे का फ्लेवर आता है ना, वो रिच फ्लेवर बकरे का गोश्त का, वो उछल उछल के बाहर आ रहा है इसमें से, क्योंकि जब आप इसको चबा रहे हैं तो मीट जो है फुल जूसी है, चुई बहुत ज़्यादा नहीं है, जूसी आपको आ रहे हैं, और साथ वही हो यार बहुत जूसी किस्म का गोश्त आ रही है इसके साथ ना, आपको कोई मैं रूखा ही खाना पड़ेगा इसको, और रूखा ही खाना चाहिए, जो ऊपर जो मसाला डाला ना इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं है। असल जो इसकी असल जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो इसकी जो मैरिनेशन है ना, एक घंटे के लिए मैरिनेशन करते हैं इसकी नमक के पानी के अंदर, वही असल चीज़ है, क्योंकि नमक गया हुआ है अंदर तक, और अंदर तक नमक जाने की वजह से ना, जितने जैसे ही आप चबाते जा रहे हैं इसको, चबाने के साथ साथ इसके जूसेस बाहर आते हैं, और जूसेस वही हैं जो नमक के पानी के हैं, जब बाहर आते हैं तो साथ में मटन के फ्लेवर को भी बाहर लेकर आते हैं, उसका फ्लेवर आपको आता है, ये चीज़ है ये सारी, वेरी गुड यार। अच्छा यार ये जो ना यहाँ पे मैं भी खा रहा था इसको, तो पीछे से मुझे एक आवाज़ हुई, ये भाई ने आवाज़ दी मुझे पीछे से, आप टंडो वाला यार से हैं, इनके इनके वहाँ ना बरोई रेस्टोरेंट भी खुल गया, तो आपको मुबारक हो, आपको यहाँ पे कुछ अच्छा खाने को मिले जी। मैंने मैंने बरोई जो ना मैंने हैदराबाद में खाया था, सही है माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अब ऐसा है कि भाई इन्होंने पीछे से आवाज़ आई कि भाई इसको लींबू तो डालें, तो इसको थोड़ा सा लींबू डालते हैं भाई, ठंडी हो जाएगी, मज़ा नहीं करेंगे, यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है इसका, इस पर भाई इसमें थोड़ा सा लींबू डालेंगे, ये भाई ये हो देखो बहुत आला, ये छोटा सा, अच्छा छोटा सा पीस ले रहा हूँ, ये देखो छोटा सा पीस ये लींबू, और साथ इसमें थोड़ा सा दही लगाएंगे, ये लो भाई यार बहुत मार गया एंड खत्म। यार ये जो बाहर वाली साइड है ना, ये वाली है, ये जो बाहर वाला पीस है ये देखो, ये बाहर से जो क्रिस्पी है ना, वो ये जो क्रिस्प है ना इसका बाहर वाला, ये बहुत आला यार, यार ये ऐसी चीज़ है, इसको खाने आप अंदरून सिंध से भी आ सकते हैं, शक्कर से भी आ सकते हैं, कराची से तो आते ही लोग यहाँ पे,
लाहौर से भी आ सकते हैं। अगर आप लाहौर जा रहे हैं बाय रोड, लाहौर से कराची जा रहे हैं, कराची से लाहौर जा रहे हैं बाय रोड, तो ये जो है ना दरमियान में आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए। बहुत अलग यार अच्छी यार, ये वीडियो जो है ना यहीं पे ख़त्म करें। यहाँ पे आके ना आपने दो चीज़ें नोटिस याद रखनी है कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे, आपने आने से पहले इस नंबर पे कॉल कर दी, पीछे आपको नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। दूसरी बात, जब यहाँ पे आप आएंगे तो दो तरह की ऑप्शन होती है यहाँ पे, आप उसको हार्ड भी लगवा सकते हैं और नरम भी करवा सकते हैं। तो अगर आप नरम करवाना चाहें इसको तो नरम करवा लें, अगर आप सख्त गोश्त नोश के खाना पसंद करते हैं तो आप इसको सख्त करवा लें। और कमाल की जगह है भाई, पॉइंट छोटा है, शहर छोटा है, लेकिन टेस्ट इज़ आउटस्टैंडिंग। और वीडियो यहीं पे ख़त्म करें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो जैसे ही आया करें फौरन उसको देख लिया करें। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये जो भाई है भाई हुज़ैफ़ा, ये टंडो आदम में होते हैं और गेमिंग चैनल इनका यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंशाल्लाह। मैं भूल जाता हूँ यार, फिर लोग मुझे कहते हैं आप देते नहीं है, देते नहीं है। मैं कोशिश करूँ इंशाल्लाह। हुज़ैफ़ा के चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।